नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हम बिहार के अरवल जगह के कुर्था स्थान पर हैं और एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि जो इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिस जगह बाबू जगदेव प्रसाद जी का ये कह सकते हैं कि उनको मिटा दिया गया, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको शायद शारीरिक रूप से मिटा दिया लेकिन उसके विचारों को आज तक हम लोग जिंदा रखे हुए हैं, और उसी के विचारों पे हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं किस तरीके से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ है शंभू कुमार सिंह। आज हम उनसे उनका वास्तविक अनुभव जानेंगे कि उन्होंने इस कर्म भूमि पे आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से बहुजन समाज को अपने महापुरुषों के स्थलों पे जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से वो सहायक हो सकते हैं। कि सोचिए आप जिस समय पे वो रहे होंगे, किस तरीके से वो सवर्ण समाज से लड़े होंगे, कट्टरता से लड़े होंगे। तो देखिए हमारे साथ है शंभू कुमार सिंह, आज हम इनका वास्तविक अनुभव जानेंगे। तो सर, आप कुर्था जगह से घूम कर आ रहे हैं जहाँ पे बाबू जगदेव प्रसाद जी का हत्या कर दी गई और बहुत बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, तो आपको शायद एक ऐतिहासिक भूमि पे आने पे एक प्राउड फील हो रहा होगा और एक दुखद एहसास भी हो रहा होगा कि किस तरीके से वो व्यक्ति लड़ा होगा उन विचारों से, उन लोगों से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? निधि, आप खुद एमफिल की छात्रा रहे हैं, जब आप मैं हम लोग कुर्था में, ये बिहार के, मैं थोड़ा डेमोग्राफी बताऊं, चूंकि आप बाहर से हैं, मुझे अच्छा लगा हम इस पर बात कर रहे हैं, बात करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि बिहार का ये अरवल जिला है और कुर्था जगह है। जगदेव बाबू का जन्म गया, उस समय गया जिले में पढ़ते थे और वो बहुजन समाज से थे, आज के हिसाब से वो बीसी कैटेगरी में आते हैं, और वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, पत्रकार थे, कई जगह बड़े संस्थानों में हैदराबाद में काम किया, उसके बाद फिर वो एमएलए बनते हैं, चुनाव जीतते हैं और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। और सोचिए कि कुर्था में उस समय विधायक थे, उस समय जब उनकी हत्या होती है और वो मार्च निकाल रहे थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, कहा जाता है कि पुलिस की गोली से मौत हुई, जबकि सच्चाई कुछ और भी है। जो समांतवादी लोग थे उनका एक नारा था कि इस बार सावन भादो में हरी हरी चुड़िया कादों में, सौ में नब्बे शोषित है, नब्बे भाग हमारा है, या पहली पीढ़ी जेल मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ऐसे लोग तमाम, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा हो, या पेरियार ललित सिंह यादव हो, सोनीलाल पटेल हो, जिनको कल्पना कीजिए, एक विधायक होते हुए, एक नेता होते हुए और आपको मार दिया जाता है सड़क पर, तो आप कल्पना कीजिए कि जो सामंतवाद था, जो जातिवाद था, वो किस कदर चरम पर होगा और कितनी इच्छा शक्ति होगी। सोचिए आज हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में है, उसके बाद भी नंबर काटे जा रहे हैं, मीडिया संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कुर्था आकर मुझे अच्छा लगा और मैं बिहार चुनाव के दौरे पर हूँ तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, और हम लोग आए कुर्था, उनकी शहादत भूमि है वो, हम लोगों ने उसको नमन किया। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, लालू यादव आज जेल में है, उनका लड़का चुनाव में है, लेकिन समझना पड़ेगा नए जनरेशन को कि जो आपको कुछ मिला है आज, जो आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं, एक बेहतर समाज चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, प्रतिकार और बदला दो अलग अलग चीजें हैं। जिन्होंने हमारा शोषण किया, जो आज तक कर रहे हैं, हमारी जमीनें छीन ली गई, हमें बिजनेस नहीं करने दिया गया, धर्म के हिसाब से हमें जातियों में जकड़ दिया गया, हम स्कूल नहीं जा सकते थे, हम बिजनेस नहीं कर सकते थे, हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हम खड़ा नहीं हो सकते थे उनके सामने, यहां तक कि जिस धर्म को वो मानते हैं उसके मंदिरों में भी हमें जाने का हक नहीं था। उसके बाद एक लाचार, बेबस, और वो बड़ी आबादी है इस देश की जो लाचार है, बेबस है, जिसके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन है, इसकी दुम जर्जे की जिंदगी है, उसके खिलाफ से जगदेव बाबू, और ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी क्योंकि हम एक बेहतर राष्ट्र चाहते हैं, बेहतर मुल्क चाहते हैं। निधि, इस देश में जो लोग जातिवाद को लेकर चल रहे हैं, जो लोग सामंतवाद को लेकर चल रहे हैं, जो लोग गैर बराबरी में विश्वास रखते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि एक देश तब तक बेहतर नहीं बन सकता है जब तक कि वहां हर नागरिक बेहतर स्थिति में ना हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो। तो जगदेव बाबू बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे और उन चंद हमेशा से जो फूले, पेरियार, अम्बेडकर की जो एक विचारधारा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो मैं भी एक पत्रकार हूं और बहुजन समाज से भी हूं,
सर पत्रकार की अगर हम बात करें, मीडिया का जिस तरीके से इम्पैक्ट है चुनावी दौरे के दौरान, वो मतलब पटना शहर में आती है, इसके बावजूद वो ऐतिहासिक स्थलों को तो एकदम से जैसे मिटा दिया गया इतिहास से, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया का भी रोल उतना ही है इन सब जगहों को? आज सुबह सुबह मेरी सुनील जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शंभू आप बिहार घूम रहे हैं तो कम से कम फूले पेरियार अम्बेडकर की जो धरोहरें हैं उसके बारे में भी लोगों को बताइए। बोधगया में हम लोगों ने किस तरह से टेम्पल की रिकॉर्डिंग की है उसको भी डालेंगे, चुनाव के बाद इन सब वीडियोज को डालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी चुनाव की सरगर्मी है, कहीं ये वीडियो खो ना जाए। जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही एक धरोहर है, मैं फूले साहब के घर पे गया हूँ, सतारा गया हूँ, सावित्रीबाई फूले करुणानिधि का दौर के घर जाके देखा, तो हम इसको डालेंगे चुनाव के बाद। ये सब हम बिहार से जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सब डालेंगे, लेकिन अभी तो चुनाव की वजह से व्यस्तता है। लेकिन ये है कि जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसमें आपकी भागीदारी नहीं है, वो उससे तो उसके तो रिपोर्टर्स को पता भी नहीं हुआ कि जगदेव बाबू क्या थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। वो तो हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कम्युनिकेशन एक बड़ा टूल होता है। देखिए सोचिए प्रचार में वो ताकत होती है कि वो राख को भी मतलब राख जो होता है राख उसको भी और गलत चीजों को भी किस तरह से बेच दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन। इसलिए बाबा साहब ने मूकनायक और मूकनायक जैसे पत्रिका निकाली जिसको साहू जी महाराज ने इकोनॉमिकली मदद की थी, प्रबुद्ध भारत निकाला। तो ये हमारे पास मीडिया तो है नहीं, ये तो सोशल मीडिया है, इस वजह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में तो उनसे आप वहां आपके पत्रकार नहीं, आपके संपादक नहीं, आपके पास संसाधन नहीं है, तो वो उनसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आप भारत के जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, वो हर जगह है, ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी मीडिया उसे कोई अछूता नहीं है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है, जो लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, जिनके शरीर पर कपड़ा है, जिनके पास खाने के लिए है, उनको सोचना पड़ेगा कि ये सब चीज हमारे पास कैसे आया, क्या ये हमारे बाप दादाओं की वजह से आया, क्या ये हमारी मेहनत से सिर्फ आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, उसी में एक जगदेव बाबू भी हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से सब चीज आया है। तो हमें उनके बारे में बात करना चाहिए, और एज ए पत्रकार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम तमाम अपने बहुजन नायकों को जिन्होंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइसेस की है, जिन्होंने अपना त्याग किया है, बलिदान किया है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा, मौत जिनको मरने के लिए मार दिया गया, तो उनके बारे में हमें अपने आने वाली नस्लों को बताना पड़ेगा ताकि वो उससे मजबूत भी हों, शिक्षा भी ले और वो एक बेहतर इंसान भी बने। शुक्रिया सर, आपने हमसे अपना वास्तविक अनुभव शेयर किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।